हेलो गाइस, वेलकम टू वीएस एजुकेशनल प्लेस। गाइस उम्मीद है आप लोग अच्छे होंगे। गाइस इस वीडियो में हम जानने वाले हैं नवपाषाण युग के बारे में। इस वीडियो से पहले हम मध्य पाषाण युग और पुरापाषाण युग के बारे में जान चुके हैं। अगर आपने इनके बारे में वीडियो नहीं देखी है तो चैनल पर वीडियो ऑलरेडी आ चुकी है, आप जाकर देख सकते हैं। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। नवपाषाण युग में हम जानेंगे आरंभिक खेती के बारे में। इस काल में लोगों के हथियार भी आधुनिक हो गए थे मध्य पाषाण की तुलना में। लोगों ने अब कृषि करना आरंभ कर दिया था। इसकी शुरुआत विभिन्न क्षेत्रों में देखी जा सकती है। इन क्षेत्रों के बारे में हम डिटेल में इस वीडियो में जानकारी हासिल करेंगे। तो आइए गाइस बिना किसी देरी के शुरुआत करते हैं इस वीडियो की। इस वीडियो में हम सबसे पहले जान लेते हैं कि कैसे इंसान ने शिकारी और संग्रहकर्ता का जीवन छोड़कर खेती करना आरंभ किया। इस सब की शुरुआत होती है मध्य पाषाण के अंतिम स्थितियों से। इस काल में मनुष्य ने पशुओं को पालतू बनाना आरंभ कर दिया था। मध्य पाषाण काल में हमने देखा कि मनुष्य शिकारी संग्रहकर्ता से अपना जीवन व्यतीत करता था। औजारों की मदद से वो पशुओं का शिकार किया करता था। इन औजारों से पशुओं का शिकार करता था। उनके अवशेषों के आधार पर हम इनका वर्गीकरण कर सकते हैं। मनुष्य समुदाय ने इस संस्कृति में एक नए चरण में प्रवेश किया, जिसमें मनुष्य ने खेती करना आरंभ कर दिया था। वो पूरी तरह प्राकृतिक संसाधनों पर डिपेंड नहीं था, वो अनाज को उगाकर स्वयं भोजन उत्पादन करने लगा था। दूध और मांस की पूर्ति के लिए वो पशुओं को पालतू बनाना आरंभ कर दिया था, पशुओं का पालन करने लगा था। इसके अलावा अगर हम बात करें नवपाषाण युग के औजारों की, तो इस काल में औजार भी मध्य पाषाण युग की तुलना में आधुनिक हो गए थे। इस काल के औजारों को नवपाषाण औजार या फिर नवपाषाण युग के औजार कहा जाता है। इन औजारों में पॉलिश की गई होती थी, ज़्यादा धारदार हथियार हुआ करते थे। इस खंड में हमें नील घाटी और पश्चिमी एशिया के नवपाषाण संस्कृति के प्रचार और इनकी विशेषताओं पर भारतीय उपमहाद्वीप के नवपाषाण चरण के अध्ययन की पृष्ठभूमि देखने को मिली है। उसी के बारे में हम डिटेल में जानकारी हासिल करेंगे आने वाले पॉइंट्स में, आने वाले टॉपिक्स में। तो गाइस आइए डिटेल में जान लेते हैं इन संस्कृतियों के बारे में, नवपाषाण काल की संस्कृतियों के बारे में। वनस्पति कृषिकरण और पशुपालन जैसी संस्कृति नवपाषाण युग की विशिष्ट लक्षण माने जाते हैं। नवपाषाण युग के लक्षणों में से एक है पशुपालन और कृषिकरण। नवपाषाण शब्द का उपयोग सबसे पहले सर जॉन लुबोक ने अपनी पुस्तक प्रीहिस्टोरिक टाइम्स में किया था, जो कि 1865 में प्रकाशित हुई थी। इस शब्द का अर्थ उस युग को बताने के लिए किया गया था जिस युग में पत्थरों के उपकरण अधिक कुशलता से बनाए जाने लगे थे, अधिक रूपों में बनाए जाने लगे थे, उन पर पॉलिश की जाने लगी थी। बाद में वी गार्डन चाइल्ड्स ने नवपाषाण ताम्रपाषाण संस्कृति को अपने आप में पर्याप्त अन्न उत्पादक अर्थव्यवस्था बताया था। माइकल ब्रेकेट ने भी इस पर जोर देते हुए इसको कृषि निम्नलिखित तरीकों से बताया था, मतलब कि कृषि कार्य, पशुपालन, पत्थर के औजारों का घर्षण और उन पर पॉलिश करना, मृत भांड बनाना, ऐसी संस्कृति, ऐसे बदलावों से बनी संस्कृति को नवपाषाण की संस्कृति बताया था। एक आधुनिक अध्ययन के आधार पर हम कह सकते हैं नवपाषाण शब्द का उपयोग पूर्व धातु चरण संस्कृति का सूचक होना चाहिए। जब यहाँ रहने वाले लोगों ने अनाज उगाकर पशुओं को पालतू बनाकर भोजन की विस्तृत पूर्ति व्यवस्था कर ली थी, यानी अपने भोजन की व्यवस्था स्वयं करनी आरंभ कर दी थी और टिकाऊ वस्तुओं में रहने लगे थे, टिकाऊ जगह पर स्थायी आवास बनाकर रहने लग गए थे, तो उस संस्कृति को हम नवपाषाण युग की संस्कृति कह सकते हैं। इसके जरिए एक स्थान पर टिककर जीवन बिताने
के आधार पर ग्रामीण समुदायों की शुरुआत हुई, कृषि तकनीकों की शुरुआत हुई, कृषि प्राकृतिक पर और भी अधिक नियंत्रण और प्राकृतिक संसाधनों का दोहन होने लगा। यानी कि नवपाषाण युग में बहुत सारे परिवर्तन हमें देखने को मिल जाते हैं। अपने स्वयं के उपमहाद्वीप पर संस्कृति के नवपाषाण चरण के साक्ष्य हमें देखने को मिल जाते हैं। हम मनुष्यों द्वारा भारत से बाहर के क्षेत्रों में तथा भारतीय उपमहाद्वीप में पशुओं को पालने और वनस्पति कृषि करने की प्रक्रिया की शुरुआत पर आगे विचार करेंगे, एक एक कर कि कैसे कृषिकरण और पशुपालन शुरुआत हुआ। तो आइए गाइस शुरुआत करते हैं इसकी इस तालिका से। नील घाटी में सबसे पुरानी खेती की आरंभ माना जाता है। सबसे पहले नील घाटी में खेती हुई थी जो कि गेहूं और जौ की खेती थी, जो कि 12,500 ईसा पूर्व मानी जाती है। इसके बाद पश्चिमी एशिया में माना जाता है 8,500 ईसा पूर्व, जहाँ पर गेहूं और जौ की ही खेती होती थी। इसी तरह बलूचिस्तान में भी 6,000 ईसा पूर्व खेती पाई गई। उत्तर प्रदेश के बेलाना घाटी में भी हमें 5,440 ईसा पूर्व से लेकर 4,530 ईसा पूर्व तक चावल की खेती देखने को मिली थी। दक्षिणी भारत में हमें 2,500 ईसा पूर्व से लेकर 1500 ईसा पूर्व तक रागी की खेती देखने को मिल जाती है। सबसे प्राचीन किसानों की बात कर लेते हैं जिन्होंने कृषि का आरंभ किया होगा। वनस्पति कृषिकरण और पशुपालन का कार्य सबसे शुरुआत में पश्चिमी एशिया में हुआ था। यानी कि पश्चिमी एशिया भारत दक्षिणी एशिया में आता है। पश्चिमी एशिया पश्चिमी देशों यूरोपों के लगता हुआ एशिया का ही भाग है। वहाँ से विस्तरण होता होता संसार के अन्य क्षेत्रों में भी फैल गया, अन्य क्षेत्रों में भी खेती होने लगी। लेकिन अब मिस्र में नील घाटी तथा अन्य क्षेत्रों के हाल ही में पर्याप्त पुरातात्विक साक्ष्यों के आधार पर इस दृष्टिकोण में संशोधन करने की आवश्यकता है। नील घाटी की बात कर लेते हैं। सबसे पहले नील घाटी में गेहूं और जौ की खेती हुई थी, जिसके साक्ष्य हमें वाडी कुबानिया में देखने को मिले, जहां पर आवासीय स्थान हमें देखने को मिल जाते हैं। दक्षिणी मिस्र में है ये, वाडी टस्का में हमें देखने को मिल जाते हैं ऐसे आवास स्थान जो इस समय जलमग्न हो चुका है, यानी कि जल में डूब चुका है। कोम अम्बो में हमें ऐसे ही आवास स्थान देखने को मिल जाते हैं जो कि कुबानिया के स्थल से बस 60 किलोमीटर दूरी पर स्थित है। एसना के पास भी हमें ऐसे ही स्थल समूह देखने को मिल जाते हैं। इसके अलावा कुछ ऐसे साक्ष्य भी हैं जिनके ऊपर आज भी प्रश्न उठते रहते हैं, जैसे कि हमें मिस्र के किसी भी स्थान पर पशुओं को पालतू बनाने के कोई प्रमाण नहीं मिलते हैं। इससे ये रिजल्ट निकलता है कि इस क्षेत्र में अनाज की खेती पशुओं को पालने से भी पहले हुई थी। इस प्रकार वनस्पति कृषिकरण और पशुपालन के कार्य आवश्यक रूप से अत्यंत संबंध नहीं है, यानी कि कृषि और पशुपालन दोनों एक दूसरे से संबंधित नहीं है। अनाजों की खेती परिवर्ती पुरापाषाण औजारों से संबंधित है। औजारों से इनका आरंभ माना जाता है, यह निष्कर्ष निकाल सकते हैं हम इससे कि कुछ मामलों में अनाज उत्पादन उस नवपाषाण संस्कृति से भी पहले हो चुका था जब घर्षित पत्थरों के औजार हुआ करते थे। अनाज की खेती से नवपाषाण क्रांति को बल मिला और खेती इस क्रांति से भी पहले आई थी। यानी कि नवपाषाण युग बाद में आया है और खेती उससे पहले ही की जानी शुरू हो चुकी थी। खेती उससे पहले ही कंबोनिया स्थल पर जंगली गेहूं और जंगली जौ हमें देखने को मिल जाती हैं, जिससे रिजल्ट निकलता है कि अन्न उत्पादन उन्हीं क्षेत्रों से शुरू हुआ जहां पेड़ पौधे और जंगली रूप में विद्यमान थे। यानी कि जंगलों से ही खेती आरंभ हुई है। जैसा पहले विश्वास किया जाता था कि कृषिकरण पश्चिमी एशिया से शुरू नहीं हुआ, पहले ऐसे माना जाता था। तो हम पश्चिमी एशिया की बात कर रहे हैं, तो सबसे पहले हम पश्चिमी एशिया के किसानों की ही बात कर लेते हैं। तो आइए गज डिटेल में हम जान लेते हैं पश्चिमी एशिया के किसानों के बारे में। इस क्षेत्र में आ जाते हैं फिलिस्तीन, सीरिया, तुर्की, इराक के कैस्पियन द्रोणी और ईरान के आसपास के क्षेत्र। तो इन्हीं क्षेत्रों में आधुनिक नगर हमें देखने को मिल जाएंगे। सबसे प्रारंभिक खेती करने वाले ग्राम बस्तियों का पता लगाया है पुरातत्ववेत्ताओं ने। अब यह भली भांति विदित है कि फिलिस्तीन, सीरिया और तुर्की में खेती 9वीं और 8वीं
सत्रहाब्दी ईसा पूर्व से ही शुरू हो गई थी। ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि इस क्षेत्र में शिकारियों और संग्रहकों ने एक स्थान से दूसरे स्थान पर भटकना छोड़ दिया था और एक ही जगह पर रहकर टिककर जीवन बताना आरंभ कर दिया था। इससे क्या हुआ, पहले उन्होंने यह काम वन्य साधनों के दोहन पर आश्रित रहते हुए किया। इसके बाद उन्होंने उत्तर सीरिया में फुफ्रेट्स पर आबू हरेयार का उत्तर और उस नदी पर दक्षिणी तुर्की के सुबेरे जैसे स्थलों पर अपनी बस्तियां शिकार करने और बटोरने पर ही पूरी तरह से आश्रित की। खेतों में संक्रमण एक धीमी धीमी प्रक्रिया थी, परंतु लगभग 9वीं 17वीं ईसा पूर्व तक उसके साक्ष्य मिलने आरंभ हो गए थे। मतलब मिलते हैं 9वीं 17वीं ईसा पूर्व के साक्ष्य हमें। स्थायी समुदायों की खेती स्थायी जीवन और स्वरूप का अनिवार्य आधार बनाकर ऐसे अनेक स्थलों जहां पश्चिमी एशिया के किसानों के स्थायी समुदायों का हमें पता चलता है। फिलिस्तीन में बड़े गांव हमें देखने को मिल जाते हैं जो कि 8500 ईसा पूर्व से लेकर 7500 ईसा पूर्व तक के बताए जाते हैं। तो इन साक्ष्यों के आधार पर हम इसे उस समय के उत्खनन उत्तर स्तर के उत्खनन के साक्ष्य थे, वहाँ पे पशुपालन के साक्ष्य हमें नहीं मिले, सिर्फ कृषि के ही मिले। संसार में किलेबंदी का यह सबसे बड़ा प्रारंभिक उदाहरण था। दक्षिण तुर्क में भी हमें होयुक एक बड़ा गांव मिला जहाँ पे गेहूं जौ और मटर की खेती के साक्ष्य हमें मिल जाते हैं। जानवरों को घरों में पाला जाता था, ऐसे साक्ष्य हमें मिल जाते हैं। मवेशी भेड़ बकरी जानवर ऐसे जानवर हुआ करते थे। और इसके अलावा वहाँ पर हमें कुछ भौतिक संस्कृति के साक्ष्य मिलते हैं जैसे कि मृत भांड, पत्थरों की कुल्हाड़ी, पत्थरों के आभूषण, हड्डियों के औजार, लकड़ियों के कटोरे और कंडर शिल्प के रूप में मिल जाते हैं जो कि उस सभ्यता को अपने आप में ही एक बड़ी सभ्यता बना देती है। इराक में जारमोन में स्थायी रूप में बसे कृषि गांव हमें देखने को मिल जाते हैं जहां पे हमें कृषि के साथ साथ कुल्हाड़ियां, चक्कियां, मृत भांड आदि देखने को मिल जाते हैं। गेहूं जौ और भेड़ बकरियों को पालते थे, ऐसे साक्ष्य हमें मिलते हैं। ईरान की खेती में हमें 8वीं 17वीं ईसा पूर्व कुछ साक्ष्य मिलते हैं। उस समय में फिलिस्तीन और अनातोलिया में शुरू हुई होगी। दक्षिणी ईरान में अली कोश में हमें ऐसे लोगों के जाड़े के मौसम के शिविर के साक्ष्य मिलते हैं जो गेहूं और जौ की खेती करते थे, भेड़ को पालते थे। इस क्षेत्र में पशुपालन और खेती अंतर संबंधित होती थी। ये थी पश्चिमी एशिया की फसलें और पशुपालन के अंतर संबंधित कुछ स्थल। जब कुछ क्षेत्रों में कृषि कार्य पशुपालन का कार्य सबसे पहले शुरू हुआ था तो वो पश्चिमी एशिया को माना जाता है। इसके अलावा हम बात कर लेते हैं भारतीय उपमहाद्वीप की। तो आइए भारतीय उपमहाद्वीपों के किसानों के बारे में जान लेते हैं। इस उपमहाद्वीप में कृषिकरण और पशुपालन का इतिहास हमें नवपाषाण संस्कृति के उदय के आरंभ में मिलता है। घर्षित पत्थरों की कुल्हाड़ियों को छोड़कर इस उपमहाद्वीप की नवपाषाण संस्कृति तालिका 2 में हमें देखने को मिलेगी, यानी कि इस टेबल में हम देखेंगे। तो आइए जान लेते हैं इसके भौगोलिक क्षेत्रों के बारे में कि कहां कहां तक यह संस्कृति फैली हुई थी। उत्तर पश्चिमी क्षेत्र यानी कि जो आज के समय में पाकिस्तान और अफगानिस्तान का क्षेत्र है, इसके अलावा उत्तर क्षेत्र जो कश्मीर घाटी है उसमें हमें देखने को मिल जाती है। दक्षिणी पूर्वी क्षेत्र जो आज के समय में इलाहाबाद, मिर्जापुर, रीवा, सिंधी जिले, विंध्याचल आदि क्षेत्र आ जाते हैं इसके अंदर। मध्य पूर्वी क्षेत्र में उत्तरी बिहार आ जाता है। पूर्वोत्तर क्षेत्र में हमें असम और उप हिमालय वाले क्षेत्र देखने को मिलते हैं। मध्य पूर्वी क्षेत्र में हमें नागपुर के पठार, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल के विस्तृत क्षेत्रों
आ जाते हैं। दक्षिणी क्षेत्र में प्रायः द्वीप भारत आ जाता है। तो आइए डिटेल में इन्हीं क्षेत्रों के बारे में एक एक करके जान लेते हैं। उत्तरी पश्चिमी क्षेत्र की बात कर लेते हैं जो आज के टाइम में अफगानिस्तान और पाकिस्तान है। यहाँ पर आरंभ में हमें गेहूं और जौ की खेती के साक्ष्य मिलते हैं। उत्तरी अफगानिस्तान के पुरातत्ववेत्ताओं ने ऐसी गुफाओं को खोजा है जहाँ पर शिकारी और संग्रहकर्ता रहा करते थे। इन गुफाओं में जंगली भेड़ों, मवेशियों और बकरियों की हड्डियों के अवशेष भी मिले हैं। 7000 ईसा पूर्व के आसपास अफगानिस्तान में भेड़ बकरियां पाली जाती थी। ऐसा विश्वास किया जाता है कि मध्य एशिया क्षेत्र में इसकी परिधि, जिसमें आज का पंजाब, कश्मीर, पश्चिमी पाकिस्तान और अफगानिस्तान, ताजिकिस्तान, उज्बेकिस्तान और पश्चिमी तियान शान शामिल हैं, इन क्षेत्रों में ब्रेड गेहूं और पेल्ट गेहूं की खेती के साक्ष्य हमें मिलते हैं। ऐसा स्थान रहा है इन क्षेत्रों में जहां पर इन दोनों फसलों को उगाया जाता था। पाकिस्तान और बलूचिस्तान में कृषि और पशुपालन की शुरुआत के संबंध हमें देखने को मिल जाते हैं। कुछ साक्ष्य ऐसे मिल जाते हैं। बलूचिस्तान में कच्ची के मैदानों में हमें अनेक लाभ प्राप्त हुए। ऐसी अनेक सुविधाएं प्राप्त थी जिससे उस क्षेत्र में आरंभिक कृषि अर्थव्यवस्था का उदय हुआ। भीतरी बलूचिस्तान की बंजर श्रेणियों के मध्य छोटी घाटियों में पहाड़ियों में आती हुई नदियों से, जो कि बारहमासी नदियां मानी जाती हैं, वहां पे एक उपजाऊ जलोढ़क भूमि मिली जो कि सिंचाई के लिए बहुत आसान हो गई थी। तो वहां पर भी उस समय वनस्पति उगाई जाती थी। मेहरगढ़ का स्थल इस पारिस्थितिक प्रवेश में ही था, जिसके अंदर हमें कपास की खेती के साक्ष्य भी देखने को मिले थे। हड़प्पा काल के इस स्थल में उत्खनन से पता चला कि पूर्व मृत भांड नवपाषाण के हड़प्पा काल संस्कृति का इतिहास इसी में रहा। इसको दो चरणों में डिवाइड किया गया है, प्रथम अमृत भांड और सेकेंड है उत्तरी वृत्त। यानी पहली में मृत भांड नहीं थे, दूसरी में मृत भांड आ गए, तो इस वजह से इसको दो चरणों में डिवाइड किया गया है। मेहरगढ़ की नवपाषाण स्तर को, नवपाषाण काल को, जिन अनाजों की यहाँ खेती हुआ करती थी उसमें जौ की दो किस्में और गेहूं की तीन किस्में हुआ करती थी। आलूचा और खजूर भी उगाए जाते थे। हमें बीज मिले हैं इन सब चीजों के साक्ष्य के रूप में। उत्खनन के दौरान नवपाषाण काल के काल वन में, यानी कि प्रारंभिक स्तरों में, हमें अपनु मृग और कुरुण जैसे जंगली जानवर और भेड़ बकरियों मवेशियों की हड्डियां मिल जाती हैं, जिससे हमें इसके साथ ही हमें जंगली चिकारा, सुअर और घोर खर की हड्डियां मिल जाती है। अतः इस बात से हमें इस चीज के प्रमाण मिलते हैं कि भेड़ बकरियां स्थानीय रूप में पाली जाती थी। यहाँ पूर्वी मृत भांड बस्तियों की शुरुआत हुई, जिसको लगभग 6000 ईसा पूर्व उसका समय निर्धारित किया गया है। नवपाषाण काल में जीविका के स्वरूप की विशेषता और आरंभिक कृषि और पशुओं को पालने और साथ ही शिकार पर आधारित मिश्रित अर्थव्यवस्था, यहाँ के निवासी कच्ची ईंटों के आयताकार मकान में रहा करते थे। कुछ रचनाओं को छोटे वर्गाकार भागों में विभाजित किया हुआ था। उन्हें भंडारणों के लिए उपयोग किया जाता था। औजारों के किट में एक पत्थर की कुल्हाड़ी, 5 पत्थर के बसूले, 50 घर्षण पत्थर और 16 लोड शामिल थे। इसके अलावा इसमें विशिष्ट फलक उद्योग के सूक्ष्म पाषाण औजार भी प्रचुर मात्रा में हुआ करते थे। कुछ फलकों पर चमक भी हुआ करती थी जो कण काटने के लिए उपयोग किया करते थे। मेहरगढ़ से प्राप्त साक्ष्यों के आधार पर लगता है कि शायद कच्ची के मैदान मवेशियों और भेड़ पालने के तथा गेहूं और जौ की खेती के स्वतंत्र रूप में किए जाते होंगे। काल टू की अगर हम बात करें तो ताम्रपाषाण चरण हम कह सकते हैं इसे, जहां पर गेहूं और जौ की खेती के साथ साथ कपास और अंगूर की खेती भी होने लगी थी, जिसका समय लगभग 5000 ईसा पूर्व माना जाता है। ये हड़प्पा निवासियों ने
गेहूं, इसमें हड़प्पा निवासी अभी आ जाते हैं। हड़प्पा निवासियों ने गेहूं, जौ, कपास की खेती का ज्ञान मेहरगढ़ से लिया था, जो कि प्रारंभिक पूर्वज कहे जा सकते हैं। हड़प्पा निवासियों के लिए अलग इकाई में हम डिटेल में जानेंगे, तो इसीलिए इसमें हम मेहरगढ़ के बारे में पढ़ रहे हैं। तो मेहरगढ़ से प्राप्त साक्ष्यों के कारण इस सिद्धांत को संशोधित करना पड़ेगा कि कृषि और पशुओं को पालने का कार्य भारतीय उपमहाद्वीप की ओर पश्चिमी एशिया तक फैला हुआ था। तो आइए बात कर लेते हैं भारत के एक और पार्ट की, जो कि कश्मीर घाटी के रूप में है। तो वहां पर नवपाषाण संस्कृति किस तरह थी? ग्राम बस्तियां लगभग 2500 ईसा पूर्व वहां पर पाई गई, जहां पर बुर्ज होम और गुफ कराल जैसे क्षेत्र हमें उत्खनन में मिले हैं, जो कि नवपाषाण संस्कृति के माने जाते हैं। इस क्षेत्र में नवपाषाण चरण के बुर्ज होम में 2 चरण में और गुफ कलराल की 3 चरणों में विभाजित किए गए हैं, यानी कि 3 अलग अलग इतिहास हैं। गुफ कराल के और बुर्ज होम के 2 अलग अलग इतिहास हैं। उत्तरी स्थल की अगर हम बात करें तो प्रारंभिक अमृत भांड, यानी कि यहाँ पर मृत भांड नहीं थे, सबसे पुराने मिट्टी के बर्तन होते हैं मृत भांड, जो भारत में पहली बार खोजा गया था। ये कश्मीर घाटी का नवपाषाण संस्कृति थी। इसकी विशेषता थी कि ग्रत आवास अच्छी तरह से बनाए गए थे, गेरू से रंगे फर्श और साथ ही खुले में भी आवास और बड़ी मात्रा में पर्याप्त हड्डियां। एक अद्वितीय औजार से निष्कर्ष निकलता है कि अर्थव्यवस्था बहुत अच्छी थी, अखेज अर्थव्यवस्था थी, सिखारी अर्थव्यवस्था थी। अब आ जाते हैं गुफ रॉल में। चरण, पहला चरण देख लेते हैं इसका, क्योंकि ये 3 चरणों में डिवाइड है। पहले चरण में हमें फलियां मिल जाती हैं, मसूर, अरहर, गेहूं, जौ, यानी कि दालें, गेहूं, जौ, और ये इस समय में उगाई जाती थी। भेड़ बकरियां, मवेशियां, साकिन, लाल मृग और भेड़िया जैसे पशुओं की हड्डियां मिलती हैं इस चरण में। दूसरे और तीसरे चरण की अगर हम बात करें तो वनस्पति और कृषिकरण और पाले गए जानवरों के साक्ष्य हमें मिल जाते हैं दूसरे और तीसरे चरण में। औजारों की अगर हम बात करें तो अदीम कुल्हाड़ियां, पस्तर नौकाएं और प्रिस्कृत हड्डियों के औजार हमें यहाँ देखने को मिल जाते हैं। छिद्रित हार्वेस्टर शामिल हैं इन औजारों के अंदर, जिनको मत्स्य भाले और वानगर आदि के नाम से जाना जाता था। मानव समाधानों के बीच कुत्तों के समाधान भी मिले हैं। इनमें से पता चलता है कि चरण एक में अखाटे संग्रहक अर्थव्यवस्था का किस प्रकार धीरे धीरे चरण टू में कृषि अर्थव्यवस्था में विकसित हो गया, यानी कि शिकारी अर्थव्यवस्था धीरे धीरे कृषि अर्थव्यवस्था में बदल गई चरण टू आते आते। 3 चरणों में डिवाइड है यह उल्लेख। इस उल्लेख से हम ब्रूहुज होम के नवपाषाण संस्कृति का मृत बाण हड्डी और पत्थर वस्तुओं में सवत घाटियों के शयार खोला और घाली गई के साथ सदृश प्रकट होता है। गर्त आवास, हार्वेस्टर और कुत्ते के समाधान उत्तरी चीनी नवपाषाण संस्कृति की विशेषताएं भी हैं। मृत भांडों से हमें संकेत मिलता है कि इनका संबंध हड़प्पा सभ्यता से भी रहा है। 2 स्थलों की उपलब्ध C14 तिथि निर्धारणों के संकेत से हमें पता चलता है कि कश्मीर घाटी में नवपाषाण संस्कृति का समय 2500 ईसा पूर्व से लेकर 1500 ईसा पूर्व रहा। अब बात कर लेते हैं एक और भारतीय क्षेत्र की, जहां पर हमें ऐसे ही संस्कृति देखने को मिल जाती है। यह है बेलना घाटी की संस्कृति, जो कि विंध्याचल के पठारों में हमें देखने को मिल जाती है। प्रयागराज गंगा के पास के क्षेत्र मानसूनी मखेला का एक भाग है। ये बांसों और ढाक टीक जैसे घने जंगल पाए जाते थे। जंगल में बाघ, नीलगाय, चीतल और आदि और भी सारे वन्य पशुओं को प्राकृतिक आवास है ये जंगल। यहाँ घनी घास, जंगली चावल सहित उगाई जाती थी।
इस स्थल पर प्रारंभिक पाषाण युग में अखेटा स्थल हुआ करता था। शिकार के लिए लोकप्रिय स्थल था ये। बिलेना घाटी में उत्खनन स्थलों में हमें अन्न संग्रह चरण देखने को मिल जाते हैं। चौपानिया, मांडो, कोल डी रोवा और महागरा जैसे हमें कुछ संकेत मिल जाते हैं इस अन्य उत्पादन चरण के रूप में। अगर हम चोपनी मांडोन में अनुपुरा पाषाण काल से उत्तरवर्ती मध्य पाषाण युगीन अथवा खाद्य नव पाषाण युग तथा तीन चरणों में अनुक्रमित मिल जाती है, यानी कि यहाँ की संस्कृति हमें तीन अलग अलग कालों के तीन अलग अलग युगों की साक्ष्य मिल जाते हैं, जिसमें चरण एक में हमें मध्य पाषाण युग के कुछ साक्ष्य देखने को मिल जाएंगे, जिसमें जीवन, सामुदायिक जीवन, अखेटे और संग्रह की अर्थव्यवस्था थी। यहाँ मधुमक्खी के छत्ते और झोपड़ियाँ, सांझा चूल्हे, असुबहाय निहाई ज्यामितीय आकार के सूक्ष्म पाषाण और बड़ी संख्या में वल्य पत्र और हाथ से बने हुए सुंदर मिट्टी के बर्तन देखने को मिल जाएंगे। चकियां और लोटे इस बात के परिचायक हैं कि उस समय में अधिक जोर अन्न संग्रह पर दिया जाता है। इस चरण में जंगली चावल और जंगली मवेशियों, भेड़ बकरियों, इनके हड्डियों के प्रमाण भी हमें देखने को मिल जाते हैं। इस स्थल से हमें रहने वाले लोगों के जीवन में बहुत सारी जानकारी मिलती है, जैसे कि रजूज चिन्हित मृत भांड, इन चीजों, ये सब चीजें वहां पर मिली हैं। गोलक, अदिम कुल्हाड़ी और बेसुले, आयताकार अथवा अंडाकार अनुप्रस्थ गाड तथा केलसेंडोनिक फलकों सहित वृत्ताकार अंडाकार फर्श हस्तकृतियों सहित मिल जाते हैं हमें। इसके अलावा बड़े मवेशी बाड़ा, मवेशियों के खुरों के निशान सहित महागारों स्थानों से मिलते हैं। इन सब से हमें पता चलता है कि ये संस्कृति कितनी विकसित और उन्नत स्थानपन जीवन जिया करती थी। इनका जीवन निश्चित परिवार इकाई मृत भांड के रूप में मानवीयकरण चक्कियों और लोढ़ों जैसी खाद्य स्थान संस्था इकाइयों का सभ्य आकार, छेनी कुल्हाड़ियां और बसुलों जैसी विशिष्ट औजार, कृषिकृत चावल की खेती, मवेशी, भेड़ बकरी और घोड़ों को पालना, इसकी जीवनचर्या था, इनके समुदायों का कार्य था। यहाँ पर आरंभिक चावल उगाने के साक्ष्य हमें मिल जाते हैं। इसके अलावा हम बात कर लेते हैं बिहार मध्य गंगा घाटी के नवपाषाण संस्कृति की। इस संस्कृति में ग्रामीण बस्तियां पाई गई 2000 साल से लेकर 600 ईसा पूर्व पुरानी। चिरांद, चेचर, सेनुआर और तारादीप आदि उत्खनन क्षेत्रों में हमें नवपाषाणकालीन लोगों के जीवन स्वरूप पर पर्याप्त प्रकाश पड़ता है, जिसमें हमें सेनुआर यानी कि जिला रोहतास है जो आज के समय में, उसमें हमें नवपाषाण युगीन किसान यानी कि किसानों की जानकारी मिलती है, जिसमें हमें चावल, जौ, मटर, मसूर और मोटे अनाज की खेती के कुछ साक्ष्य मिलते हैं। इन स्थलों पर गेहूं और घास, मटर की अनेक किस्में उन बस्तियों में उस स्तर पर पाई गई थी। चिरांद की बात करें तो गंगा के उत्तरी तट पर स्थित है और कच्चे फर्शों, मृत भांडों, सूक्ष्म पाषाणों, घर्षित कुल्हाड़ियों, हड्डियों के औजारों, उपरतनों के मनकों और पकी मिट्टी के मानव मूर्तियों की संरचना अवशेष हमें यहाँ पर मिल जाते हैं। चुरांत और सेनुआर दोनों में उल्लेखनीय हड्डी औजारों के लिए प्रसिद्ध थे। दोनों ही स्थान हड्डियों के औजारों के लिए प्रसिद्ध थे। चिरांद में जो अनाज उगाए जाते थे वो गेहूं, जौ, चावल, मसूर, ये प्रमुख औजार थे। इनको हम उत्तरवर्ती नवपाषाण ताम्रपाषाण कालीन लोगों ने अपने से पहले के लोगों द्वारा उगाई जाने वाली फसलों के अलावा चने और मूंग,
की खेती भी शुरू कर दी थी। अब बात कर लेते हैं पूर्वी भारत के प्रारंभिक किसानों की यानी कि असम की साइड की। तो असम के पहाड़ियों में गारो और नागा पहाड़ियां आती हैं। प्रास्तितिक दृष्टि से इस क्षेत्र में मानसून का क्षेत्र कहा जा सकता है। बारिश बहुत ज्यादा होती है इस क्षेत्र में। इस क्षेत्र की नवपाषाण संस्कृति की विशेषता थी कि संकद युक्त कुल्हाड़ियां, गोलाकार छोटे घर्षित कुल्हाड़े, रज्जू चिन्हित मृत भांड जिन पर बहुत अधिक सबस्टिक कण चिपकाए गए हुए होते हैं। उत्तरी कछार पहाड़ियों में देव जाली हांडिंग में किए गए उत्खनन से हमें पता चलता है बहुत सारी वस्तुएं मिलती हैं। ये वस्तुएं इस प्रकार थी जो चीन और दक्षिणी पूर्वी एशिया के व्यापक रूप में पाई जाती हैं। फिर भी असम के नवपाषाण विशेषकों का चीन अथवा दक्षिण पूर्व एशिया के सादृश्य अंतिम रूप से निश्चित नहीं हो सकती, क्योंकि इनमें बहुत अधिक कालानुक्रमिक अंतर है। असम के नवपाषाण संस्कृति चरण का तिथि निर्धारण अस्थायी रूप से 2000 ईसा पूर्व के आसपास माना गया है। इसके अलावा हम बात कर लेते हैं दक्षिणी भारत की प्रारंभिक किसानों के बारे में। तो ये प्रारंभ में ये भी अखाटे अर्थव्यवस्था अपनाते थे। बाद में इन्होंने भी धीरे धीरे खेती आरंभ की। इसको भी हम विभिन्न चरणों के माध्यम से पढ़ेंगे। पहले इसके क्षेत्रों के बारे में जान लेते हैं जो उत्खनन स्थल रहे। सनगन, कुल्हू, नागार्जुन, कोंडा, मस्की, बुद्धगृही, टेककाल, कोटा, पिकलीहाल, कूपगल, हल्लूर और पलवाय, हेमीजे और टी नरसीपुर। इन क्षेत्रों के उत्खनन से हमें बहुत सारी चीजें देखने को मिल जाती हैं जो हमें कृषि के बारे में और पशुपालन के बारे में नवपाषाण संस्कृति की जानकारियां देती हैं। पूर्वतत्व वेदताओं ने दक्षिणी भारतीय नवपाषाण संस्कृति को 3 भागों में डिवाइड किया है। एक एक करके हम सभी संस्कृतियों के बारे में, सभी चरणों के बारे में जानेंगे। प्रारंभिक चरण के बारे में बात कर लेते हैं। सबसे प्रारंभिक चरण के साक्ष्य हमें सनगन, कुल्लू और नागार्जुन कोंडा में मिलते हैं। नागार्जुन कोंडा में हमें धुंधलेते चिन्हित लेपित बाहरी सतहों वाले अपरिकृषित हस्त निर्मित पाली रक्तभा और भूरे मृत भांड, चमक के फलकों वाले औजार और घृषित पत्थरों के औजार देखने को मिल जाते हैं। लोगों को खेती का केवल अल्प विकसित ज्ञान था। वे जानवर नहीं पालते थे, वो सिर्फ कृषि किया करते थे। और इसका समय जो निर्धारित किया गया है वो 2500 ईसा पूर्व तक किया गया है, या फिर इससे पहले भी हो सकता है। चरण दो में हम अगर बात करें तो इसमें हम मृत भांड बनाना इसमें दक्षिणी लोग मृत भांड बनाना सीख गए थे। लाल भांड बनावट के होते थे। मणिकारी कला और पशुपालन नए लक्षण इस चरण में हमें देखने को मिल जाते हैं। अब सूक्ष्म पत्थर सफ्टी क्रिस्टल के बनने लगे थे। तीसरे चरण की अगर हम बात करें, इसकी तिथि 1500 ईसा पूर्व के आसपास बताई गई है। दूसर भांड प्रमुख है इस चरण का। दूसरे चरण में लाल भांड और लघु फलक उद्योग इस चरण में भी जारी रहे। विभिन्न प्रकारों के नवपाषाण औजार भी इस चरण में पाए जाते हैं। ये इस बात का संकेत देते हैं कि खेती का काम अधिक किया जाए। भोजन संग्रह और अखेट की अब गौण भूमिका रह गई थी। बाद के दिनों की अगर हम बात करें तो दोनों चरणों की विशेषताएं नागार्जुन कोंडा में आवास गत से लक्षित होती है, जिनकी छतों को संभालने के लिए लकड़ी के लठों का इस्तेमाल किया जाता था। अन्य स्थलों पर भी हमें नरकुल और मिट्टी के मकानों के अवशेष मिल जाते हैं। दक्षिणी भारतों में उगाई जाने वाली फसलों की अगर हम बात करें तो इन फसलों में कुछ मुख्य फसल थी जो कृषिगत रागी थी, पूर्व अफ्रीका से आई थी। ये फसलें यहाँ पर मवेशियों के लिए चारे का रूप में इस्तेमाल किए जाती थी। कुछ खेतियां
जंगली रागी जो कृषिकृत रागी के साथ साथ खरपतवार के रूप में उगाई जाती थी, कृषिकृत रागी की पूर्वज नहीं थी, लेकिन जंगली रागी पूर्वज परंपराओं से अफ्रीका किस्म से संबंधित थी। दक्षिणी भारत के नवपाषाण कालीन किसानों द्वारा जिन फसलों की खेती की जाती थी वो गेहूं, कुथली और मूंग थी। खजूर भी उगाई जाती थी। लगता है कि इस काल के दौरान सोपान कृषि खेती महत्वपूर्ण विशेष रही होगी। इसका उपयोग फसलें उगाने के लिए, छोटे छोटे खेत बनाने के लिए किया जाता था। उत्खनन में हमें पशुओं की हड्डियां भी मिलती हैं, जिससे हमें पशुपालन के संकेत भी मिलते हैं। तो आइए जान लेते हैं उस समय में कौन कौन से पशु पाले जाते होंगे। नागार्जुन कोंडा में मिले हमें कुछ साक्ष्यों के आधार पर वनस्पति कृषिकरण और पशुओं को पालने से पहले ही शुरू हो गई थी, यानी कि कृषि पशुओं के पालने से पहले शुरू हुई थी। इन स्थलों पर हमें मवेशी, भेड़ बकरी, भैंस, गधा, मुर्गी, सुअर और घोड़े जैसे पशुओं को पाले जाने की सूचना मिलती है। सांभर मृग और बारासिंगा, चित्तीदार मृग और चिकारा का शिकार किया जाता था। घोगा और कछुए भोजन के लिए पकड़े जाते थे। प्रचुर मात्रा में मवेशी और अन्य प्रकार के खाद्य वस्तुओं के संकेत भी हमें मिल जाते हैं। नवपाषाण कालीन लोगों की स्थानाबद्ध कृषि तथा पशुचारण अर्थव्यवस्था भी C14 तिथि निर्धारणों के आधार पर दक्षिणी भारत की नवपाषाण संस्कृति, जो इसकी तिथि निर्धारण है वो 2600 ईसा पूर्व से लेकर 1000 ईसा पूर्व तक के बीच की मानी जाती है। अगर हम बात करें कौडेल काल और कूपगल जैसे नवपाषाण स्थलों की, तो इनके पास अनेक राख के टीले मिलते हैं। इनमें से कुछ बस्तियों से दूर जंगलों में भी मिले हैं। सुझाया जाता है कि यह राख के टीले नवपाषाण कालीन मवेश बाड़ों के स्थल थे। समय समय पर इकट्ठा हो गया गोबर या तो किसी संस्कार के रूप में अथवा दुर्घटनावश जलता रहता था। अपेक्षाकृत अधिक दूरस्थ स्थानों पर पाए गए राख के ढेर इस बात का संकेत देते हैं कि कुछ खास मौसमों में जंगल के पशुचारण स्थानों पर चले जाया करते थे। अब बात कर लेते हैं पश्चिमी ढक्कन, उत्तरी मध्य क्षेत्र की। वहां की नवपाषाण संस्कृति कैसी हुआ करती थी? कृषि और गोदावरी, कृष्णा और गोदावरी जैसी नदियों का विस्तारित क्षेत्र है, इसे हम मध्य भारत के रूप में जान सकते हैं। वहां पर हमें काले पाश पर बने गए घर्षित पत्थरों के औजारों की संख्या बहुत ज्यादा मिल जाएगी, जो कि गोमदे, केल से डोनी और इंद्र गोमणि के सूक्ष्म पाषाण, धूसर भांडों और ताम्र पाषाण प्रकार के चित्रमृत भांडों के साथ मिले हैं। इस प्रकार के नवपाषाण चरण से ये अवशेष स्पष्ट नहीं, इस चरण के अवशेष इतने स्पष्ट नहीं मिले, लेकिन कृष्णा नदी की सहायक नदियां भीमा और चंदोली के पास, भीमा पर चंदोली के पास जो साक्ष्य मिले हैं, और गोदावरी की सहायक नदियों परवारा पर नेवासा और दाइमाबाद स्थलों पर हमें कुछ साक्ष्य मिले हैं, जो हमें वहां के किसानों के बारे में कुछ संकेत बताते हैं। उत्तरी महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और गुजरात की तापी और नर्मदा घाटियों में भी हमें ऐसे कुछ अवशेष मिले हैं, लेकिन वो इतने स्पष्ट नहीं हैं। बिना घाटी के एराना स्थल पर हमें दक्षिणी गुजरात में जोखा स्थलों पर पाई जाने वाली दक्षिण भारतीय भारत सादृश्य की नुकीले सुगंध वाले सिरों के त्रिभुजाकार कुछ कुल्हाड़ियों ही इस क्षेत्र में नवपाषाणकालीन अवशेष हैं, यानी कि कुछ स्पष्ट अवशेष हमें इस काल के प्राप्त नहीं होते हैं। चंबल, बंसा और काली सिंधी घाटियों में घर्षित पत्थर के औजार की विद्यमानता का शायद ही कोई प्रमाण होगा। इस तथ्य के बावजूद कि प्रारंभिक मध्य पाषाण संदर्भ में पशुपालन काम शुरू हो गया था, स्थानबद्ध बस्तियां इस क्षेत्र में केवल तभी शुरू हुई जब ताम्रकाशीय उपकरण ज्ञात हुआ। इस पूरी इकाई में हमने जाना कि
कैसे शिकारी संग्रहता का जीवन व्यतीत करते थे। मनुष्य का 99% जीवन काल, मनुष्य का 99% हिस्सा शिकारी और संग्रहकर्ता में बीता। सिर्फ 10,000 सालों से ही इंसान कृषि करना आरंभ किया। उसके बारे में हमने इस इकाई में पूरी डिटेल में जानकारी प्राप्त की। ये था इस इकाई का थर्ड पार्ट। अगर आप और इसी के साथ ये इकाई समाप्त हो जाती है। इन सब टॉपिक्स के बारे में हम डिटेल में पढ़ चुके हैं। सारांश में आप वही सब जानेंगे जो हमने इस पूरी इकाई में किया है। इसी के साथ ये इकाई होती है समाप्त। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइज। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि इन फ्यूचर आपको ऐसे ही वीडियो मिलते रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइज। जय हिंद, जय भारत।